प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के बाद जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है ताकि आगामी दिनों के लिए रणनीति तैयार की जा सके। हमीरपुर जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक बीर कमला में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने की। बैठक में आगामी वर्ष होने वाले चुनावों के लिए भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के साथ साथ पार्टी की नीतियों पर काम करने के लिए भी गहन चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिए गए कि बैठक में मंडलाध्यक्षों से लेकर पन्ना प्रमुखों तक आगामी दिनों में कैसे काम करना है, इस पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2022 में भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इस पर भी काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, क्योंकि जो 30 तारीख को जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है और सेमी वर्चुअल के माध्यम से हुई है प्रदेश कार्यकारिणी बैठक, तो पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने फैसला लिया कि अब जिला की बैठकें करेंगे। उसी कड़ी में आज जिला हमीरपुर की बैठक थी, इसमें हमारे जिला के सभी कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी, जिला पक्ष के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ब्लॉकों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो हमारे मोर्चों के प्रदेश में अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं या प्रदेश के पदाधिकारी या प्रदेश के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी बैठक थी आज। और उसमें आदरणीय धूमल जी ने इसकी ओपनिंग की है, शुरुआत की है, और धूमल जी ने पूरा जो हमारा कार्यक्रम जो हमें मिला है जिला को लिए, उस पर 4 सत्र होंगे। पहला सत्र तो धूमल साहब ने पूरे विशेष सेंटर की जो काम है मोदी साहब का, वो सारी चर्चा की मोदी धूमल साहब ने। उस पर भी प्रदेश ने क्या किया, सारी बातें कार्यकर्ताओं के अंदर रखी गई। और इसके अलावा भी राजनीतिक प्रस्ताव हमारा आने वाला है, ई चिंतन का कार्यक्रम डॉक्टर बिंदल जी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी उस पर ई चिंतन पर भी कार्यक्रम था, उसको भी देखा लोगों ने। इसके बाद हमारा जो आगामी कार्यक्रम है, और अभी पांचों मंडलों की बैठकें की डेटें तय करेंगे कब कब बैठकें होंगी, और क्लोजिंग देखते हैं। अभी हमारे प्रदेश के जो यहाँ के जो हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा के प्रभारी हैं तलोक जमाल जी, इस बैठक को क्लोज करेंगे, नहीं तो हमारे पूर्व में जो उपाध्यक्ष पार्टी के रहे हैं भाई वाइस चेयरमैन जो HRTC हमारे गुरुत्व जी हैं, वो क्लोजिंग करेंगे। इस पर पूरे जिले में आज बैठक चलेगी, पूरा दिन बैठक चलेगी, और पार्टी को कैसे संगठित किया जाए, बूथ तक कार्यकर्ताओं को कैसे काम में लगाया जाए, और पन्ना प्रमुख को वहाँ कमेटियाँ बननी हैं, और बहुत से काम हैं, मोर्चों के परीक्षण होने हैं, ग्राम केंद्रों में जाके परीक्षण शिविर होना है, त्रिदेव का परीक्षण शिविर होना है, ये सारे कार्यक्रम यहाँ चले हुए हैं। तो इसलिए धूमल साहब ने अभी इसका शुरुआत की है, अब पार्टी का कार्यक्रम आगे लंबा चलेगा, पूरा दिन चलेगा। धन्यवाद। इसके कुछ बोलने कान में लोगों को बुलाया था और 76 लोग आ चुके हैं। अब जो हमारी वहाँ की कमलेश, हमारी उपाध्यक्ष भी प्रदेश की और MLA है भोरंज की, उनका कार्यक्रम पहले बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पंचायत के चुने प्रतिनिधि जो हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा था, इसलिए वो नहीं आ पाए। और यहाँ के जो विधायक हैं हमारे नरेंद्र भाई गुड्डू जी, वो यात्रा में कहीं गए हुए, घूमने कहीं गए हुए, अपने मीटिंग की या यात्रा परिवार को लेके कहाँ गए, वो यहाँ नहीं थे। गुरुत्व जी यहाँ थे, धूमल साहब यहाँ थे, मैं यहाँ था, तो हमारे सभी लोग आए, सर 5-10 लोग जो नहीं आए उनकी सूचना आ गई थी कि इन कारणों से नहीं आए। जिला की बैठक है भैया, जिले की बात करो, बरसे की बात है, वो बरसर में आना, वहाँ बरसे देख लेंगे, बरसे की बात बरसे में करेंगे, या तो जिले की बैठक है, जिले की बात करो भाई, ठीक है, धन्यवाद। वो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, और मंडलों का जो हमारे प्रदेश से जो पार्टी का जो कार्यक्रम मिले हैं उन कार्यक्रम में जिलों में लागू करना है, और जाके मंडलों में करना है, मंडलों से जाके बूथ तक करना है, बूथ से लेके पन्ना तक जाना है, ग्राम केंद्र तक जाना है, तो सारी ये बैठकें होंगी, ये योजना बन रही है, और वहाँ परीक्षा शिविर लगेंगे पार्टी के, ग्राम केंद्र तक बूथों के त्रिदेव के लगेंगे, सारी योजना बन रही है। जिला की बैठक इसलिए रखी है, और आगे इसको पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है, 2022 में हम जिले में जहाँ हमारे पीछे 2 ही सीटें हम लोग जीत पाए, 5 के 5 हम सीटें जीते, ताकि फिर सरकार हमारी बने।